चपली कबाब बनाते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए ये हमारे पास आधा किलो कीमा है, इसमें हम डालते हैं ये अपने कुछ मसाले, ये पुदीना है, ये हरी धनिया, एक प्याज है, आधा टमाटर चॉप करके लिया है, ये अनारदाना और ये हरी मिर्च, इनको हम सब डाल। और ये हमारे पास कुछ कूटे मसाले हैं जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये कुटा मिर्चा है, चिली फ्लेक्स, ये कुटा हुआ खड़ा धनिया कूट के लिया हुआ है मोटा मोटा, ये देखें इस तरह से, ये बारीक पीसा नहीं है, कुटा हुआ है। ये जीरा है, नमक और ये थोड़ा सा चाट मसाला, ये भी हमारा इसमें चला जाता है। ये हमारे पास एक आधा टीस्पून हम इसमें डालते हैं लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का, और ये हमारे पास पपीता है, एक टीस्पून हम ये पपीता डाल देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये चना है थोड़ा, ये हमारे पास इस तरह से भुना हुआ चना है, चने की दाल टाइप का, तो इसी को हमने ग्राइंडर में खूब अच्छा सा पीस लिया है, इस तरह से हमने इसका पाउडर बना दिया है, तो इसको भी डाल देते हैं। और अब चलिए इनको खूब अच्छा सा हम मिलाते हैं। आपस में अच्छा सा बाइंड करते हैं। बहुत ही टेस्टी चपली कबाब बनते हैं, ईद में स्पेशल चपली कबाब ये जरूर बनाइए, आपके जो गेस्ट आएंगे तो उनको बहुत मजा आएगा सेवइयों के साथ में ये चपली कबाब खा के, और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में तैयार भी हो जाते हैं ये। तो ये हमारे इसमें कीमे में हमारे फैट बहुत कम था, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे दही वो डाल रहे हैं, घी, ये हम एक टेबल स्पून इसमें घी डाल रहे हैं। ये चपली कबाब का कीमा अमूमन बहुत अच्छे फैट के साथ होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, इसको को मसल मसल के अच्छा सा इसकी सनाई होती है, जितनी इसकी सनाई होगी अच्छी उतना ही ये मजेदार होगा। इसको को अच्छे से कुछ देर इसको साना जाता है। इनको हम आधे घंटे के लिए, आपके पास अगर और टाइम है तो और टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें, और आधे घंटे बाद इसको हम बहुत अच्छे से तलते हैं। आपका दिल चाहे आप फौरन भी तल सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से फिर आप चपली कबाब अपने बनाएं, इस तरह से हथेली पे लेके इसको पतला पतला ऐसे करें, ये पतले पतले बनते हैं काफी और थोड़े बड़े बनते हैं। इस तरह से बना के फ्रेंड्स अपने इन तेल में ऐसे डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह, इनको शैलो फ्राई करते हैं, इसकी आंच बहुत धीमी नहीं करते और इसको बहुत डार्क डार्क रखते हैं। ये इस तरह से ऐसे ऐसे बना के ये फ्रेंड्स देखें हमारे कबाब बहुत ही शानदार ये इस तरह से तल रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ये देखिए तैयार हो गए हैं, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखें ये हम अपना दूसरा बैच डालते हैं। हमारा देखिए ये इस तरह से हो रहा है, ये भी हमारा एक साइड हो गया, इसको पलट लेते हैं। जो अंदर से जूसी और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प ऐसे ही होना चाहिए, यही टेक्सचर हमको चाहिए था। यहाँ पे मेरा ये भी हो गया है, ये देखिए कितना ये इसी तरह का डार्क होता है, ये बहुत लाइट नहीं तलते, इसको थोड़ा डार्क ही तलते हैं, अभी ये ऊपर से कुरकुरा होता है और अंदर से जूसी जूसी।
फ्रेंड्स ये हमारा चपली कबाब बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।